द नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट इज पोटेशियम. कैसे पोटेशियम जो है किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? इट इज एब्जॉर्ब एज पोटेशियम आयन, K+1 आयन के अंदर ये एब्जॉर्ब होता है एंड मेनली रिक्वायर्ड इन द मेरिस्टमैटिक टिश्यू. जो अपाइकल स्टेम होती है उसके अंदर जो ग्रोइंग टिश्यू होता है उसको हम मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहते हैं. उसके अंदर चाहे वो बर्ड्स हो, रूट टिप्स हो, इन सब के अंदर जो है पोटेशियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एंड इट मेंटेन द एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल. जैसे हमने एनिमल टिश्यू के अंदर पढ़ा है जो पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड आयन होते हैं, ये जो एनायन कैटायन कॉम्बिनेशन है ये बैलेंस करके रखते हैं उसके सेल के जितना भी सॉल्ट कंटेंट होता है उसको बैलेंस करके रखते हैं. इसी तरह से यहाँ पर भी ये एनायन कैटायन के बैलेंस को सेल के अंदर मेंटेन करके रखता है एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिफरेंट फूड मटेरियल इन द प्लांट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए जो गार्ड सेल है उसके अंदर जो पोटेशियम आयन होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड इट ऑल्सो मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल. दैट मीन्स सेल को टर्जिड फॉर्म में रखने के लिए भी पोटेशियम आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अगर इनका रिमूवल कर दिया जाए तो जो प्लांट है, प्लांट सेल है वो श्रिंक कर जाएगा. देन इट इज यूज टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज प्रोटीन्स. बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है. जो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स बनाते हैं उनको अपने काम करने के लिए पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इनडायरेक्टली पोटेशियम का यूज होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने के लिए. देन इट ऑल्सो नीड फॉर द फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ स्टार्चेस, शुगर्स एंड ऑयल्स. इन सब की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट के अंदर. इट इंक्रीजेस द डिजीज रेजिस्टेंसी ऑफ एनी प्लांट एंड विगर एंड हार्डीनेस. प्लांट को हार्ड बनाने के लिए और उसकी किसी भी डिजीज के लिए रेजिस्टेंसी को इंक्रीज करने के लिए पोटेशियम जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है. देन अगर हम इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स को देखें, जो प्लांट है वो मोटल्ड हो जाते हैं, स्पॉटेड हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स आ जाते हैं उसके ऊपर, स्ट्रेट लंबी लंबी लाइनें आ जाएंगी उसके ऊपर और कर्ल्ड लीव्स हो जाएंगी. जो लीव्स हो जाएंगी वो कर्लिंग फॉर्म में आ जाएंगी. देन स्क्रॉच्ड बर्निंग का जैसे साइन होता है उस तरह से प्लांट लगेगा आपको. डेड लीव्स टिप्स होती हैं, जो टिप्स होती हैं लीव्स की जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वहां पर क्योंकि पोटेशियम होता है और अगर उसकी एब्सेंस होगी तो वो लीव्स जो है वो टिप उनकी टिप्स जो है वो डेड हो जाएगी. एंड देयर मार्जिन्स, लीव्स के जो मार्जिन्स हैं वहां पर भी ग्रो करते हैं प्लांट्स, तो वहां पर भी क्या होगा, एक तरह से सारा का सारा टिश्यू जो है वो डेड कर जाएगा. यहां पर आप कर्लिंग देख सकते हैं प्लांट के, ये दिस इज द प्लांट हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम. यहां पर नॉर्मल लीव्स के साथ साथ कुछ ऐसी लीव्स जो हैं, दिस इज दी लीव्स जो कि बहुत ही स्मॉल इन नेचर हैं और कर्ल्ड हो गई हैं. यहां पर आप मार्जिन्स देख सकते हैं इस लीव के, ये मार्जिन जो हैं वो क्या कर गए हैं, कर्ल फॉर्म में आ गए हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम. सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पोटेशियम एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स. थैंक यू.